Okay, open page number 39. Today we will learn about use of it is. Okay. Open we page. Will use also with them a and an. Okay. In page number 39. Okay. First of all, it का यूज हम करते हैं किसके लिए यूज करते हैं it हम बोलते हैं it का यूज हम कहाँ करते हैं. ओके आई टी इट का यूज आई आई टी इट इट का यूज हम कहाँ करते हैं. इट का यूज हम करते हैं किसके लिए करते हैं इट का यूज. जैसे हम अपने लिए आई बोलते हैं, अपने मैं के लिए बोलती हूँ आई, आप भी बोलेंगे अपने लिए आई. ठीक है, आप किसी दूसरे के लिए बोलेंगे तो यू. जैसे मैं आप लोगों को यू करके बात कर रही हूँ. ठीक है, पूछ रही ना हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग. ओपन पेज नंबर 39. इस तरह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, तो यू करके बोल रही हूँ, मीन्स आप. ठीक है, ही शी के लिए ही, बॉय के लिए यूज करते हैं हम लोग ही का यूज, और शी का यूज गर्ल्स के लिए करते हैं. ठीक है, उसी तरह इट का यूज कहाँ करते हैं, किसी चीज के लिए हम लोग बोलते हैं ना इट इज, ऐसे बोलते हैं. तो इट का यूज हम करते हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है, कहाँ पर करते हैं, पहले तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आपकी बुक हो गई, आपकी पेंसिल हो गई. ठीक है, आपकी पेंसिल हो गई, कोई चीज हो गई, किसी भी चीज के लिए जो नॉन लिविंग थिंग है. जैसे कोई भी चीज हो जाए, बुक हो जाए. ठीक है, एनिमल्स जैसे एलिफेंट, ठीक है, फ्रॉग, जिस तरह से आपकी पिक्चर बनी हुई है उसमें देखिएगा आप. बर्ड्स के लिए हम लोग करते हैं, जैसे इसमें आउल बना हुआ है, क्रो बना हुआ है, किसी भी तरह की बर्ड्स के लिए यूज करते हैं. फ्रूट वगैरह के लिए यूज करते हैं, उसके उसके लिए हम इट का यूज करते हैं. ओके, इट का यूज करते हैं. एनिमल चीजों में हम इट का यूज करते हैं. ओके, और हमेशा इट के साथ इज का यूज करते हैं, हमेशा इट के साथ इट इज ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हमेशा इट के साथ इट इज का ही यूज करते हैं. ठीक है, हमेशा, कभी इट एन इट आर इट इस तरह से नहीं यूज करेंगे, हमेशा इट इज का ही यूज करेंगे. ओके, तो हमने दो चीज सीखी, इट का यूज किसके साथ होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे बुक होती है, पेंसिल होती है. ठीक है, बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग, हैट होता है, बॉक्स होता है. ठीक है, इस तरह की नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिनमें जो जिनमें लाइफ नहीं होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. हम लोग लिविंग हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं. ठीक है, एनिमल्स हैं वो लिविंग हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जो, जैसे मेरे हाथ में आपकी बुक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है. इसको हम कैसे भी कहीं भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स हम अपने बॉक्स को, हम अपने इरेजर, हम अपनी पेंसिल को कहीं भी अपने हाथों से उठा के रख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं इट का यूज. और जो एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है, एलिफेंट है, फ्रॉग्स है, इस तरह के एनिमल्स, बर्ड, क्रो, पैरेट, आउल, इस तरह के सबके साथ इट का यूज करते हैं. और इट के साथ हमेशा इज लगाते हैं. इट इज क्या लगाते हैं, इट इज. अब आप पिक्चर में आप अपने साथ देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर देखिए ए और एन का यूज करना है. तो हमने आपको ए और एन का यूज भी बता दिया है. ए का यूज हम कब करते हैं, जब कॉन्सोनेंट वर्ड की स्टार्टिंग बिगिनिंग लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हो. कोई भी वर्ड में, कोई भी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग होगी, जैसे बी सी डी एफ जी एच,
इस तरह से जो भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनके साथ ए का यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और जो जिस वर्ड की बिगिनिंग वॉवेल साउंड के साथ होती है उनके साथ हम ए एन एन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज, अब यहाँ पर फर्स्ट आप देखिए, इट इज अ फ्रॉग, इट इज अ फ्रॉग, एफ आर ओ जी। तो ये कंसोनेंट साउंड है एफ, इसलिए हम लोग उसके पहले ए लगाते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने लर्न किया है ना, हमने सीखा है, वी हैव टू लर्न दैट ऑल दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस बाय ये कंसोनेंट लेटर्स होते हैं, इनकी स्पेलिंग किसी भी वर्ड की स्पेलिंग कंसोनेंट लेटर से शुरू होती है, तो उनके पहले हम क्या यूज करते हैं, ए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज एन एलिफेंट, अब इस वर्ड के आगे हमारा वॉवेल साउंड है इसलिए हम ए एन का यूज कर रहे हैं, इट इज एलिफेंट, ठीक है ना। हाँ, इट इज एन एलिफेंट, वेरी गुड, एलिफेंट। मेरे साथ आप लोग, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप लोग रीड करिएगा, इट इज अ फ्रॉग, आप लोग, इट इज एन आउ कहेंगे, एन लगा है क्यों, क्योंकि इसका वर्ड स्टार्ट हो रहा है बिगनिंग साउंड किस लेटर से, वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग उसके पहले एन ए एन एन का यूज करते हैं, ठीक है ना। वॉवेल फाइव होते हैं ना, वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू, ओके। नेक्स्ट इज एट ए आ क्रो, इनका हिंदी में ही होता है, ये एक क्रो है मींस कौवा है, ये एक उल्लू है, ये एक फ्रॉग मींस मेंढक है, इस तरीके से। हाथी है, ये एक हाथी है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ये एनिमल। अब इट इज अ बुक, बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ बुक, ये एक किताब है, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके आगे भी हम इट इज करेंगे, ठीक है। और बी कंसोनेंट साउंड है इसलिए हम लोग यहाँ ए का यूज करेंगे, इट इज अ बुक। नेक्स्ट इज इट इज एन ऑरेंज, सब बच्चे तो लेते हैं, बोल रहे हैं बॉयज लिखें बैठ के, तो गुड बॉयज करते हैं, तो मैम अच्छे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है रीड लाउडली, ठीक है, अपनी बुक से देखिए रीड लाउडली, यस मैम, बताएगा मुझे कि क्या लिखा है उसमें आपकी बुक में, रीड लाउडली यहाँ लिखा है, फर्स्ट लाइन क्या लिखी है बताएंगे आप, पढ़िए आप, रीड इट, क्या लिखा है, या
सेंटेंस लिखा है इट इज अ है, इट इज अ हैड, हैड इज अ नॉन लिविंग थिंग. ओके सो इट वी विल यूज इट एंड वी विल यूज इट. Consonant sound, H is a consonant sound, so before it, we will use. Yes, ma'am. Next. What? It is an egg. Give me. It is an egg. Egg is also not living thing. That's why we use. We will use it. And after that, we will use it. And because S is a sound, beginning sound is A, we will use before, we will use N before then, before S, okay? Next is, it is a pet. किसी भी पेट यानी किसी भी जानवर को हम पालते हैं घर में, पालतू जानवर को पेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं. तो इट इज पेट, इट इज अ पेट. तो ये भी एनिमल, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं उसके लिए भी हम इट करते हैं. हमने लगाया
ठीक है, वॉवल साउंड से शुरू है तो उसके आगे हम ए एन एन का यूज करेंगे, और कंसोनेंट साउंड से शुरू है तो हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, बस आपको यही चीज इसमें सीखनी है। Next is a cat. Next is it is an elephant लिखा है, इसका यूज हम बता चुके हैं, तो आपको हम एन एफ से ही बोल देते हैं। ठीक है, एन एफ पर कई तरह के अपना जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, बर्ड, इस तरह की चीजें करके आप इट इज ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आ गया ना कि इट का यूज कहाँ करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल के साथ, बर्ड के साथ, वेजिटेबल्स, फ्रूट के साथ, किसी के भी साथ हम इट का यूज करते हैं, और इट के साथ हमेशा इज का यूज करते हैं, हमेशा इट के साथ इज का यूज करते हैं। और कोई भी स्पेलिंग होती है उसमें हम ये चेक करते हैं कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवल साउंड है। अगर वॉवल साउंड है तो हम उसके वर्ड के जो भी हम स्पेलिंग लिख रहे हैं उसके आगे हमेशा एन का यूज करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है समझ में आ गया ना? You all have to do this work in your notebook, English notebook. पेज नंबर 39 आपको इंग्लिश नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और उसको लाउडली बोलना है। क्या करना है? लाउडली उसको बोलना है, ठीक है। मैं जो भी आपका पूरा बना है, जैसे मैंने आपको लिखकर दिखाया है, इसी तरह आप ये सब चीजें अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखेंगे और उसको लाउडली बोलेंगे। ओके ना? ओके मैम। ओके, डू इट। ओके 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 नाउ बाय। डू नॉट प्रैक्टिस एट होम, डू नॉट प्रैक्टिस एट होम, यस ओके बाय 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 बाय।